हेलो एवरीवन। सो आज हम जो रीडिंग देखने वाले हैं वो एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस है। तो आज हम देखेंगे, टैरोट से कुछ कार्ड लेंगे, और क्योंकि एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर यू है तो इसमें एंजल कार्ड भी लेंगे हम, और जानेंगे कि क्या मैसेजेस है आपके लिए एंजल्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के साथ एंजल्स होते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपकी गाइडेंस करते हैं, आपको वो दिखाई नहीं देते हैं, बट ये अच्छी आत्माएं होती हैं, फरिश्ते होते हैं, परियां होती हैं जो डिवाइन और गॉड के द्वारा आपके लिए अपॉइंट की जाती हैं। तो एंजल मैसेज देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है, उनका क्या कहना है, क्या गाइडेंस है, अगर कोई वार्निंग है, कोई अलर्ट है आपके लिए तो वो भी मिलेगा आपको, और कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं ऑब्स्टिकल से वो भी हम बताएंगे। तो आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे उसको रखें, जो रेजोनेट ना करे जाने दें। सभी जेंडर्स के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप के लिए, कम्युनिटी के लिए रीडिंग है। तो देखते हैं कि एंजल क्या बोलते हैं आपके बारे में, एंजल क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। न्यू टॉपिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एंजल मैसेजेस मेरे हमेशा से टाइमलेस रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में भी एंजल मैसेजेस और अर्जेंट एंजल मैसेजेस के काफ़ी सारे वीडियोस हैं, वहाँ भी आप देख के हेल्प ले सकते हैं। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो मैं काफ़ी दिनों बाद एंजल्स की रीडिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। लेट्स सी, टैरोट से देखते हैं। टैरोट से बहुत ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि एंजल की रीडिंग है, तो एंजल कार्ड से ज़्यादा कार्ड लेंगे। लेट्स सी एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको, मैसेजेस एंड गाइडेंस फॉर एंजल्स। पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, और ना सिर्फ कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, बाकी आप में से कुछ लोगों के लिए जो पर्सन है आपके लिए गिफ्ट भी लेके आ रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको कोई कमिटमेंट करे या रिंग दे सकता है, आपको लव ऑफर भी दे सकता है, या कोई व्यक्ति आपके पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या जॉब की अपॉर्चुनिटी लेके भी आ रहा है। तो आप में से जितने लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, तो किसी के लिए लव में, रिलेशनशिप में मुझे कुछ आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई जॉब वर्क में भी कोई पर्सन आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। ऐसा होता है कि लोग खोजते हैं अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये पर्सन खुद आपके पास से काम का ऑफर लेके आ सकता है या लव ऑफर लेके आ सकता है, और ये बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान है। लेट्स सी एंजल मैसेजेस और क्या है। लवर्स, सोलमेट, आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, बहुत जल्दी सोलमेट मिलने वाला है आपको। एंड ये जो आपका सोलमेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और ये डिवाइन के द्वारा तय किया हुआ लवर है आपका। रिलेशनशिप, जो बहुत समय से अकेले आप लोग चल रहे हैं, तो रिलेशनशिप बनने वाला है विद इन द वन मंथ। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, बनने वाला है, और अगर शुरुआत हुई है तो ये और मजबूत होती जाएगी समय के साथ साथ। लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर यू, एंजल मैसेजेस फॉर यू। स्टार फेम मिलने वाला है आपको, फेम के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो फेम भी आपको मिल रहा है। आप बहुत ही जल्दी आप कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट मिलने वाली है, फ्यूचर ब्राइट है आपका, करियर में करियर बूस्ट होने वाला है। यहाँ इस कार्ड से मुझे, दोनों कार्ड से लग रहा है कि करियर के लिए अगर रीडिंग देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करियर बूस्ट होने वाला है। फेम भी मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं आपको तारीफ मिलेगी, फेम मिलेगा। बैलेंस भी आपको लाइफ में आ रहा है, अगर आपके लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी और चीज़ें सही नहीं जा रही थी, तो बिल्कुल बैलेंस होगा, आप तालमेल बिठा पाएंगे अपने लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ भी, अपने करियर में भी। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। देखते हैं टैरोट से और क्या है। लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर व्यूअर्स। एक वार्निंग अलर्ट भी है आपके लिए, अपनी चीजों को सुरक्षित रखें, अदरवाइज चोरी हो सकता है। ये वार्निंग है, अलर्ट है, ये एक अर्जेंट मैसेज आ गया है। अपनी चीज़ों को सहेज के रखें, ये किसी रिलेशनशिप के मामले में भी हो सकता है। तो
यहाँ पे कुछ कीमती चीजें हैं, या आप किसी को उधार ना दें, किसी पे भरोसा ना करें अपने प्रॉपर्टी के मामले में या पैसों के मामले में, अदरवाइज वो चीज वापस नहीं आ पाएगी, कोई और लेके चला जाएगा और आपको भरोसा देगा बट वो चीजें आपके पास नहीं आ पाए, लौट नहीं पाएगी। तो भरोसा करने से पहले अपनी कीमती चीजों के बारे में सोच विचार के किसी को वो चीज दे। अब हम देखते हैं कि एंजल्स, जहाँ एंजल मैसेजेस की बात है तो एंजल कार्ड से ही एंजल मैसेजेस लेंगे हम। लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर व्यूअर्स। कम्युनिकेट क्लियरली। कोई पर्सन आपके पास आता है अगर प्यार का ऑफर लेके, जॉब का ऑफर लेके, तो साफ है कि आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरली करना होगा, सारी चीजों को क्लियर करना होगा और चीजें बिल्कुल भी छोड़े ना, आगे के लिए छोड़े नहीं, क्लियर कर लीजिए। कोई भी चीजें क्लियर कीजिए, कोई भी मैटर है क्लियर कीजिए, कम्युनिकेशन बनाए रखिए। लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर यू। आस्क योर एंजल्स। देखिए एंजल्स की रीडिंग चल रही है और एंजल का कार्ड भी आ गया फुल ऑन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप दुविधा में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई इंसान आपको अच्छी राय भी नहीं दे रहा है और बिल्कुल आप कंफ्यूजन में हैं, तो माइंड को शांत कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और सीधे सीधे आप अपने एंजल्स को मन से, दिल से पुकारिए, कहिए कि क्या आप के लिए करना सही होगा। आप किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में भी जा सकते हैं, जो भी रिलीजन से आप ताल्लुकात रखते हैं आप जा सकते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आप शांत करके अपने मन को देखें। देखिए आप देख सकते हैं आस्क योर एंजल्स का कार्ड आया है, तो आपको देखना होगा, पुकारना होगा अपने एंजल्स को, अपने इंट्यूशन से एक सही फैसला लेना होगा आपको। एंजल मैसेजेस फॉर यू। टाइमिंग का कुछ नहीं आ पा रहा, हो सकता है कि रीडिंग आप लोग कुछ ऐसी बातों के लिए इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से, जहां पे आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर वो चीजें कब पूरी होंगी। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप की तलाश में हो, किसी जॉब, वर्क, मनी की तलाश में हो कि कब आएगा, कब होगा। तो हम टाइमिंग के लिए भी देखते हैं, कुछ निकल के आता है तो देखते हैं। लेट्स सी। परफेक्ट टाइमिंग है, एक बहुत अच्छा मैसेज आ गया परफेक्ट टाइमिंग का। एक बहुत समय, सही समय, अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं वो चीज पूरी होने वाली है, आपकी दुआ कबूल होने वाली है एंड ये चीज बहुत जल्द पूरी होगी कि ये एक सही समय है और ये बहुत जल्दी पूरी होगी। आपका किसी के साथ रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, कोई बिजनेस, कोई काम या रुका हुआ पैसा भी आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। अगर कहीं आप कोई चीज स्टार्टअप करने की शुरू आप करना चाहते हैं तो एक सही समय है, बेझिझक कीजिए। और फैमिलीज के प्रॉपर्टी का निपटारा करना है तो बातचीत शुरू कीजिए, होने के चांसेस हैं। लेट्स सी और क्या बोला जा रहा है आपको। फॉरगिवनेस, यहाँ पे एक राय दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है आपको, फॉरगिव कीजिए, माफ कीजिए लोगों को जो आपके साथ गलत करके गए हैं, वहां पे आप माफ कीजिए और भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए। पुरानी चीजों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको वो चीज भूलनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं आपको वो चीज भूलनी पड़ेगी और आगे का देखिए, आगे देखें, लुक अहेड, आगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपका इंतजार करें। माफ करके भूल जाइए उन लोगों को। लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू। लुक फॉर अ साइन, एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई है यहाँ पे, लुक फॉर अ साइन, परफेक्ट चीज निकल के आई है। देखिए आपको इंडिकेशन मिलने वाला है, आपको बहुत सारा इंडिकेशन मिलने वाला है, आपके साथ एंजल्स हैं और आपको इंडिकेशन मिल रहा है क्योंकि ये लुक फॉर अ साइन है। आपको हो सकता है ड्रीम में, अपने सपने में कुछ दिखाई दे और अगर दिखाई दे तो उसको नोट कीजिएगा, ये चीजें आपके साथ होंगी। थोड़ा सा वहाँ पे आपको
चीज़ों को लिखना है कि क्या आपने सपना देखा है। कुछ दिनों बाद वहाँ से कुछ ना कुछ इंडिकेशन आपको मिलेगा। आप राह चलते हैं तो आपको फेदर दिख सकते हैं, कोई बर्ड दिख सकता है, स्पेशली वाइट बर्ड, बटरफ्लाइज, रैबिट दिख सकता है, कैट दिख सकता है, कोई नंबर 1111 नंबर दिख सकता है आपको, 111। अगर 1111 दिखता है तो ये सब सारी चीज़ें जो मैंने बताई भी, नाम कैट से लेके जो भी नंबर, इवन 1111, तो अगर आप समझिएगा कि आपके साथ एंजल्स हैं, आपका पूरा नहीं होगा, आपके साथ एंजल्स हैं। तो उसको आप बिल्कुल भी एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा और इन सब साइंस पे ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को 1111 नंबर दिख रहे होंगे या बर्ड्स दिख रहे होंगे, वाइट बर्ड्स, कैट्स मुझे लगता है दिख रहे होंगे और फेदर्स भी दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज किसी को दिख रहे होंगे। लेट्स सी एंजल मैसेजेस फॉर यू। आपकी मदद करने जरूर कोई ना कोई आएगा, साफ लग रहा है मुझे, टैरोट से भी फील हुआ, मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आपकी मदद करने कोई ना कोई इंसान आएगा या कई लोग आ सकते हैं। आप हेल्पलेस फील मत कीजिए, यहाँ पे हेल्पफुल पीपल का कार्ड, बहुत सारे लोग आपकी मदद करना चाहते हैं और वो अपना काम करके चले जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि जो लोग मदद करने आएंगे आपको, आपको लगेगा कि कहाँ गए वो लोग, तो ये अपना अपना रोल अदा करके आपकी मदद करके चले जाएंगे। ये डिवाइन के द्वारा से भेजा जाएगा आपके लिए। जब कोई आपका अपना मदद नहीं करेगा, ये लोग आपकी मदद करेंगे और फिर लाइफ से सडनली ऐसे चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। Let's see, angel messages for you. Sorry, remain positive. हाँ, हाल में पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव बने रहिए। अगर आपके साथ नेगेटिव चीज़ें घट रही हैं, पॉजिटिव बने रहिए। रात के बाद सवेर आता है, इसलिए पॉजिटिव बने रहिए। काम आपका 1 month के अंदर मुझे लग रहा है होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोग किससे कुछ चीज़ें मैच करेंगी, नहीं कुछ लोग से नहीं करेंगी, बट फिर भी काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है मेरा इंट्यूशन बता रहा है मैच करने वाली। लेट्स सी, और देखते हैं कुछ और निकल के आता है तो हम देखते हैं। लेट्स सी, बी असर्टिव। किसी काम में आप अचानक से शुरू नहीं कर सकते हैं, एंजल का ये आपको एडवाइस है। आपको निश्चय करके करना होगा कोई काम, आपको बिल्कुल तय करना होगा कि हाँ मुझे ये जॉब करनी है, वर्क करना है, बिजनेस शुरू करना है, रिलेशनशिप शुरू करना है। आप बिना जाने सोचे नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सोच समझ के ही काम करें आप, पहले चीज़ों को देख लें, रिव्यू कर लें, उसके बाद लेट्स सी देखते हैं। रिकॉन्सिडर, सेम इस चीज़ को मैच करता हुआ कार्ड है। निश्चय कर लीजिए तभी कोई काम कीजिए, और एक काम को करने से पहले 2 बार सोचिए। यहाँ रिकंसिडर का मैसेज आया, 2 बार सोचिए, अचानक से किसी काम में हाथ नहीं डालना है, 2 बार सोच के ही काम कीजिएगा। ये आज की वीडियोस में, अभी ठंड का सीजन है तो आज की वीडियो में कैमरा में कुछ थोड़ा सा अप डाउन होया, इसके लिए आप केयर मत कीजिएगा। आप रीडिंग देखिए, आपके लिए है, कुछ अप डाउन हो रहे हैं कैमरा में, ठंड को लेके फॉग जम रहा है कैमरा पे, तो ध्यान से देखिए। लेट्स सी और क्या कुछ है। ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपने वेलविशर पे ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। एंजल का ये कहना है, आप जो भी ईश्वर है वहां ट्रस्ट कीजिए। लेट्स सी, अभी आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहा है मैसेज, हो सकता है कुछ और अच्छा निकल के, या कुछ अगर ऐसा निकल के आता है तो एडवाइस मिलेगा आपको। लेट्स सी, बहुत अच्छी चीज निकल के आई है उनके लिए जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है, या आपके घर परिवार में किसी की हेल्थ ठीक नहीं जा रही है, तो एक बहुत खूबसूरत कार्ड निकल के आया है, इम्प्रूविंग हेल्थ। हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। फिजिकली प्रॉब्लम है तो एक सही ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, आपको एंजल ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां आपका अच्छा से इलाज हो सके। आपके फैमिली में किसी मेंबर का तबीयत ठीक नहीं है तो वहां इलाज हो सके,
और मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपका आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपकी हीलिंग करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो आज की हमारी जो एंजल्स की कार्ड की रीडिंग है, एंजल्स मैसेजेस एंड गाइडेंस, वो अभी ख़त्म होता है। मेरे चैनल को बढ़ावा दें, आप कोई भी रीडिंग मेरी देखेंगे आपको पसंद आएगा, अपने पसंद अनुसार रीडिंग को चुन सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट लाइन में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी रीडिंग अच्छी लगती है, कौन सी रीडिंग आपको चाहिए। और पर्सनल रीडिंग मैंने अभी स्टॉप की हुई है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर दिसंबर तक बहुत सारी रीडिंग की, उसके बाद मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकला था। काफ़ी सारे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे जो अपलोड होते गए 15 जनवरी तक, और फिर मुझे एक नई एनर्जी के साथ अपनी जर्नी के बाद आके फिर से रीडिंग करने में अच्छा लग रहा है। तो मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं ले रहा हूँ, पर्सनल रीडिंग मेरी स्टार्ट होगी इन मार्च एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो सकती है, तो मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा। आपको जो भी रीडिंग चाहिए, जनरल ज़रूर होगी, लेकिन आपको जो भी रीडिंग चाहिए आप कमेंट लाइन में लिख सकते हैं। कुछ दिनों में आपको ये रीडिंग आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी, और जो भी आपके सुझाव हैं आप दीजिए, रीडिंग्स देखिए, इंजॉय कीजिए। और अगर आपको कुछ यूनिक रीडिंग्स चाहिए, जैसे कि टेलीपैथी रीडिंग आपको अगर करनी है मेरे साथ, तो आप बिल्कुल फ्री में है, आप कभी भी कर सकते हैं। आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं रीडिंग लेके आऊँगा। और इसी के साथ अभी मेरी जो है आज की रीडिंग ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।